मैं समझ सकता हूं आपने जब वीडियो को ओपन किया है तो क्या समझ के किया और किस उम्मीद से किया है। मैं आपको उम्मीद जो है आपको मैं उसे बरकरार रखूंगा, आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शाओमी, रेडमी, पोको, तो आप इस वीडियो के बताए गए मेथड को इस्तेमाल करके अपने हैंडसेट को कुछ ही मिनटों में अनलॉक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच किया हो। शुरू से एंड तक आप देखेंगे तो आप इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके और अपने हैंडसेट में एज इट इज अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप आप उसे इजीली 3 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक कर पाओगे। तो चलो इस उम्मीद में कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप किए, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि हाउ टू अनलॉक एनी एंड्रॉयड डिवाइसेस विदाउट कंप्यूटर इन जस्ट ओनली 2 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के जो अनलॉकिंग मेथड है उसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, तो आप बेफिक्र होकर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो अपने हैंडसेट में, क्योंकि आपका एक भी डेटा, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन सारे आपके हैंडसेट में मौजूद रहेंगे पहले की तरह, और आप उसे यहाँ पे अपने हैंडसेट को यूज भी कर पाओगे अनलॉक करके। कैसे करोगे, क्या इसके लिए हमें इस्तेमाल करना वो मैं बता दूँ। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे मोबाइल के अलावा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जैसे लैपटॉप है, इसके बाद आपका जो डेटा है उसे बचाना भी है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सर्विस सेंटर का ऑफलाइन मोड का कोड, जिसका आपको यहाँ पे मैं यूज बताऊँगा कि कैसे सर्विस सेंटर वाले उस मेथड का यूज करके आपके हैंडसेट को सक्सेसफुली अनलॉक कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो स्टेप लेना है वो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे खोजना है इमरजेंसी कॉल, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डायल करना है *#8999 और हैच, और जैसे ही हम यहाँ पे हैच के बटन को क्लिक करेंगे आपके हैंडसेट में जो इंजीनियर मोड है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपका जो अगला स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा तभी आप इसे समझ और सीख सकते हो। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा अभी लेटेस्ट में चल रहा है। हो सकता है आपने उसे अपडेट नहीं किया हो, तो फिलहाल आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसे यहाँ पे ओपन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 2 पे देख रहे हैं एंड्रॉयड वर्जन, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 11, यानी कि इंग्लिश में आप इसे 11 बोलते हो, तो आपको इतने ही टाइम इसे टाइप करना है, क्लिक करना है। जी हाँ, यदि आपका यहाँ पे 9 होगा तो आपको 9 टाइम क्लिक करना है, यदि आपका 10 है तो 10 टाइम कीजिए, यदि आपका 12 है तो 12 टाइम आपको इसे क्लिक करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी यहाँ पे पूरा करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारा यहाँ पे 11 दिखा रहा था, तो हमने इसे 11 बार टैप किया। अब आपको यहाँ से बैक हो जाना, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन का मोड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप अनलॉकिंग का यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और उसके लिए भी हमें यहाँ पे 2-3 स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे खोजना होगा मैनुअल टेस्ट, जो आपको नंबर 4 पे दिख रहा है, इसे आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको नंबर 2 वाले पेज पे जाना है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा एम सेंसर, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ सिंक्रोनाइजिंग स्टार्ट होगा, आपको यहाँ पे 3 सेकंड के लिए मिनिमम इसे होने देना है, आपको यहाँ से बैक नहीं करना है 3 सेकंड के अंदर। जब आपको लगे कि 3 सेकंड या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो आप यहाँ से बैक हो सकते हैं, और उसके नीचे आपको मिलेगा एम सेंसर ऑटो टेस्ट, इसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, यदि फेल दिखा रहा है तो वापस से आप जाइए एम सेंसर में और उसे फिर से आप 3 सेकंड के लिए उसको होने दीजिए। यदि आप उसे सही से होने देंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा। अब आपको यहाँ से बैक जाना है और हल्का ऊपर जाना है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 ऑपरेशन जो है नॉट स्टार्टेड हैं, आपको इन दोनों को स्टार्टेड मोड में ले आना है। अब आपका यहाँ पे जो है एक आपका जो है मिनिमम पास आना बहुत ज़रूरी है, 2 पास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि 1 भी आ रहा है तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से बैक होना है, और उसके बाद आपको नंबर जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है अदर का, इस पेज पे चले आना है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, जो डेटाबेस वर्जन आप यहाँ पे देख रहे हो इसे आपको यहाँ पे 11 बार यानी कि 11 टाइम आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यदि आपका 9 होगा तो 9 टाइम कीजिएगा, 10 है तो आपको 10 बार करना है, 12 है तो 12 बार करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 2 पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, इसे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कैंसिल करने का ऑप्शन आ रहा है, और ओके करने का, आपको पहली बार में इसे कंफर्म नहीं करना है, आपको इसे कैंसिल कर देना है। दोबारा भी आपको सेम प्रोसेस करना है, इसे कैंसिल कर देना है। तीसरी बार भी सेम करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, लेकिन जब हम इसे चौथी बार करेंगे यानी कि 4th टाइम, तो इस बार हम इसे ओके कर देंगे। और आप देख सकते हो आपका यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड जो है वो डिटेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही आपको ये दिखे आप यहाँ पे इसके जो होम बटन है उसे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। यदि आपका नहीं हुआ है अभी भी
उस केस में आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हमारी टीम आपको लाइव व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आपके हैंडसेट को अनलॉक करके 2 से 5 मिनट के अंदर दे देती है, वो भी गारंटी के साथ। यदि आपका नहीं होता तो हमारी टीम की तरफ से आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन बटन को ट्राई जरूर कीजिएगा।